नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क से हूं और आज हाईवे के नज़दीक जमशेदपुर में एक भव्य साई मंदिर का निर्माण हुआ है और आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो बाबा की क्या प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम लोगों में तो उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो आज मैं उनसे ही जानना चाहूँगा जिन्होंने बाबा की सेवा की है, अपना परिचय देंगे और इस मंदिर को बनाने के पीछे उनका क्या मोटिवेशन था, इसको जानकारी देंगे। मोटिवेशन तो ये तो श्रद्धा का चीज़ है, इसमें कुछ तो प्लानिंग के तहत होता नहीं है और ये सारा चीज़ जो हुआ अपने आप हो गया। मैंने हम अभी भी सोचते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम जमशेदपुर 2003 में आए थे डाल्टनगंज से। तो हम सोचे थे कि जमशेदपुर में एक रूम बनाएंगे, ठीक है, अपने लिए। लोग बोलते थे एक रूम नहीं बनेगा और आज बाबा अपने लिए रूम बनवा करके अपने आप यहाँ पहुँचे, ये तो हमको खुद समझ ही नहीं आता कि कैसे बना सो। अपना परिचय बताइए आप। हमारा नीलकमल नाम हुआ, हम डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, जमशेदपुर 2003 में आए थे और हम लोग यहाँ बहुत देखे, बहुत तकलीफ। हम लोग सपना एक रूम का था यहाँ कि जमशेदपुर आए और काम करके एक रूम बन जाए तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल जमशेदपुर में है। तो अब विस्तृत जानकारी के बारे में पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे कि ये पता ही नहीं चला कैसे हो गया, ये अपने आप हो गया। क्योंकि हमको एक बार शिरडी में जा करके बाबा को बोले थे कि हम अकेला हैं, अकेला हैं, जबकि ये बात है हमको लगता है 2011 का, अकेला हैं। तो इतना उस दिन से जोड़ते चले गए, सारा चीज़ जोड़ दिए अभी तक और आज देखिए कि अपने आप यहाँ आकर के विराजमान हो गए। बिल्कुल, नीलकमल भैया ने कहा कि बाबा ने ये कहा कि हम आपके साथ हैं और इन्होंने बाबा के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन शख्सियत से भी कुछ बात करना चाहूँगा कि जो इनकी अर्धांगिनी है और बाबा की बहुत बड़ी सेवनी है। प्लीज़ अपने बारे में बताइए, नाम और बाबा की सेवा के क्या। जी, मेरा नाम तो कंचन बाला है जी। बाबा के जो बोले बहुत बड़ी सेविका, हम लोग कुछ हैं ही नहीं, इनके चरणों के हम लोग धूल हैं। और ये कैसे क्या करवा लिए, ये सब कुछ अपने से करवाए हैं साईं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिए हैं, कैसे साईं करवाए हैं हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं इनके बारे में बता सकते हैं। मतलब बाबा कैसे कैसे हम लोग को यहाँ ले आया। पहले था प्रोग्राम, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, बाबा की पूजा करेंगे, बट देखिए आज बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। नहीं है, बस छोटा सा है, लेकिन हाँ बाबा की कृपा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात बाबा हमारे जैसे लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। हमारे बीच सबसे बड़े यंग फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हार्दिक कमल पांडे है। हार्दिक कमल जी, हार्दिक कमल जी, आपको मंदिर से क्या सीख मिलती है, आप जब मंदिर में आते हैं तो क्या आपको समझ आता है कि मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मैं बाबा कहते हैं कि मंदिर है जाओ और मंदिर में पूजा करने से श्रद्धा विश्वास है मुझे बाबा पे कि हम उनके साथ रहेंगे तो मेरा मुझे सुबुद्धि ये सब मिलेगा। तो वाह, देखिए सदबुद्धि, जिसकी शिक्षा आज बड़े बड़े MBA कॉलेज में दिए जाते हैं, सदबुद्धि तब आएगी जब हम अपने संस्कार से जुड़ेंगे, अपने मंदिर से जुड़ेंगे। एक और मेरे यंग दोस्त हैं, मैं उनका परिचय नाम जानना चाहूँगा और मंदिर आकर उन्हें क्या समझ आता है। हेमंत, मेरा नाम हेमंत कमल हुआ। मंदिर से यही सीख मिलती है, मतलब आने का सदबुद्धि और भगवान का आने से यहाँ शांति प्राप्त होती है भगवान के चरणों में। जी धन्यवाद। एक ने कहा सद्बुद्धि, एक ने कहा शांति, कितनी बड़ी बात है। और मैं फाइनल बात करना चाहूँगा, आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा और इनको कहना चाहूँगा कि चांदनी चौक में स्थित जो साईं बाबा की मंदिर है, ये मंदिर अपने आप में अनूठा है, आप सबको कैमरा पर दिख रहा होगा। तो मैं नीलकमल जी से ये कहना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि यहाँ पर श्रद्धालु आएँ और पूरे झारखंड और जमशेदपुर के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, ज़रा हमारे दर्शकों को, लाखों व्यूवर्स को बताएँ। देखिए सपना तो हम लोग पालते हैं क्योंकि हम लोग जब मनुष्य घर में जन्म लिए तो सपना आप जानते हैं कि हमेशा अपने औकात से ज़्यादा रहता है, वो पर्सनल होता है, लेकिन ये पूरा करने वाले ये बैठे हुए हैं। अब हम लोग सोचे बहुत कुछ हैं लेकिन पूरा करना इनके हाथ में है। और हम लोग आज तक, बहुत लोग होता है भगवान के लिए ये हो जाएगा तो ये करेंगे, वो हो जाएगा, आज तक बाबा साक्षात सामने हैं, हम लोग आज तक कुछ नहीं मांगे। जैसे आप देखे होंगे, आप भी हैं इस युग में तो देखे होंगे कि ये काम हो जाएगा तो करेंगे, ये काम हो जाएगा तो मंदिर बनाएंगे, और हम लोग बोले कि नहीं आपका मंदिर बनाएंगे, कोई काम हो नहीं हो आप उसका मालिक हैं। हम लोग किसी तरह के हम लोग गांव से जुड़े हुए आदमी हैं, जो हम लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते थे, जहाँ पर कि एक मन्नत होता था, गछौड़ होता था, आप भी अगर सुने होंगे, तो उसके बदले भगवान को देना पड़ता था।
लेकिन हम जो भी लोग गलतफहमी में हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि भगवान जो देना है वो ऑलरेडी रखे हुए हैं। आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, उनके पास है। आप कम मांग करके अपने आप का हिस्सा में कम ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं कि आज आपका पैसा मेरे पास 10,000 रुपया है, आप नहीं मांगेंगे तो हम आपको 10,000 वापस करेंगे, लेकिन अगर आप हमसे 2,000 मांग दिए कि आज जरूरत है तो आज 2,000 आपको हम देंगे, 8,000 आपका हमारे पास रहेगा। इसलिए भगवान से मांगना ये महाबेकूफ़ी है, महाबेकूफ़ी है। आप अपना कर्म करिए, भगवान आपका उनके पास जो जमा है अकाउंट में वो आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। उनके सामने हम लोग बाल बच्चे हैं, उनका संतान है, वो कभी भी कष्ट दे नहीं सकते हैं। ये मंदिर में हम लोग एक और नियम रखे हैं कि कभी भी यहाँ मांगा नहीं जाएगा। कोई भी मांग शब्द जो आप सुनते हैं मंदिर में कि आप ये दीजिए, सहयोग चाहिए, वो चाहिए, हम लोग कोई भी चीज़ नहीं मांगते हैं। उनका सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है, उनके सहयोग से ये मंदिर बना है। और आगे हो सकता है कि अगर बाबा, मैंने हम तो बोले कि हम लोग बहुत कुछ सोचे हुए हैं, अगर बाबा का उसमें सारा संपूर्ण अगर आशीर्वाद मिल गया जो मिलते आया अभी तक, तो उम्मीद है कि यहाँ पर हम लोग बहुत बढ़िया व्यवस्था, फिर आपको आने का मौका मिलेगा तो विस्तृत जानकारी मिलेगा। ऐसे भी बृहस्पति का बृहस्पति यहाँ पर भोग वितरण होगा। बहुत बहुत बधाई नीलकमल भैया को, उनकी धर्म पत्नी को और दोनों उनके सुपुत्र को कि इतने संस्कारित परिवार जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक उन्होंने मंदिर की स्थापना की, जिससे कि हजारों लाखों लोग प्रेरणा लेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे। प्रत्येक वीरवार को यहाँ पर भोग का वितरण होगा और बाबा की पूजा तो प्रत्येक दिन ही चलेगी। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि हम अपने परमपिता परमेश्वर से मांगे क्या, मेरे बारे में तो वो सब जानते हैं, जगत के पालनहार हैं। तो इतनी बड़ी बात को इन्होंने कहा है, और मैं अपने दर्शकों से, इंडिया टीवी ऑनलाइन के दर्शकों से और जमशेदपुर झारखंड के युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि यही भाव उनके मन के अंदर हो तो देश, दुनिया, उनका मन, उनका परिवार सब सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। जय साईनाथ महाराज की। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।